हे वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत करता हूँ स्वागत आपको अपने चैनल एजुकेशनल पॉइंट पाने के लिए। तो सबसे पहले अच्छी न्यूज़ यहाँ पर यह निकली है कि जिनका भी पहली लिस्ट में नाम छूट गया है, जिनका ये पहली लिस्ट में बीएन कॉलेज था जी, तो ये बीएन कॉलेज जो है सब पटना यूनिवर्सिटी के अंदर में आती है और उनका कटअप जो है अभी हाल ही में 2 से 3 दिन पहले जारी किया गया था। उसमें बहुत सारे बच्चों का हुआ था और उनमें बीए, बीएससी, बीकॉम, बहुत सारे कोर्स जो है बीकॉम छोड़कर बीए, बीएससी और भी 2-3 कोर्स के लिए, इसमें बीसीए के लिए भी बहुत सारे वहाँ पर कोर्स का रिजल्ट आया था और उसमें बहुत सारे बच्चों को एडमिशन के लिए बुलाया गया था। और लेकिन समय बहुत कम दी गई थी, समय सीमा क्योंकि वनली आपको 4 या 5 तक की थी। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी न्यूज़ यहाँ पे ये निकल के आई है कि बीएन कॉलेज में पहली लिस्ट में जिनका भी पहली लिस्ट के आधार पर छूटे हुए छात्रों को एक और मौका दिया गया है। जो भी बच्चे एडमिशन 4 या 5 को नहीं लिए गए हैं उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ है। 4 या 5 को एडमिशन नहीं लेने वाले बच्चों का क्या है कि जिनका ये मौका छूट गया है वो अब 8 जुलाई को, वो बस 8 और किसी को नहीं जाना, बस उनको 8 जुलाई को जानी है, दाखिला के लिए उनको दोबारा बुलाया गया है। और कॉलेज के जो प्रोफेसर है उन्हें बताया कि सीटें भरनी भी चाहिए, इसलिए छात्रों को एक और मौका दिया जा रहा है। अब बात दोस्तों मेरी बस वीडियो का मकसद ये नहीं थी कि यहाँ पर बस बताऊँ आपको कि यहाँ पर लिस्ट के बारे में, अब बात यहाँ पर सेकेंड लिस्ट के बारे में, सेकेंड लिस्ट कब तक आएगी। देखो दोस्तों, सेकेंड लिस्ट अगर आनी भी होगी तो पिछले साल की तरह इस साल भी आपको 10 तारीख को, ठीक है, 10 जुलाई को, 10 या 11 को, या फिर हो सके तो आपको उससे पहले ही, एक दिन पहले आपको जारी कर दी जाएगी। 10 या 11 जुलाई को हमेशा की तरह आपको सेकेंड लिस्ट आ जाएगी। जैसे ही कुछ न्यूज आती है मैं आपको सेकेंड लिस्ट के बारे में बता दूंगा और बहुत सारे बच्चों को ये सेकेंड लिस्ट आने से उनका एडमिशन भी इसमें हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंतजार कर रहे हैं सेकेंड लिस्ट का। तो आशा करता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद। और अधिक अपडेट पाने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। गुड बाय।